तो गाइस 35 डिग्री से भी ज्यादा धूप में ये देख सकते हो क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और ये जो गर्मी है, गर्मी का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ भाई साहब, काम कर रहा हूँ, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। तो भाई साहब ये जो चीज है भाई। तो गाइस क्या होता है, इतना ज्यादा गर्मी भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। हम लोग कितना ज्यादा मेहनत करते हैं भाई। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और अभी देख सकते हो धूप कितना ज्यादा है और इतना धूप में हम जाएंगे खेर लाने के लिए खेत में। खेर पता है क्या चीज होता है, ये देखो भाई साहब, ये जो चीज है ना इसको कहते हैं खेर, लोग चारा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये गाय को खिलाने के लिए होता है और ये सब लाने के लिए अभी जा रहा हूँ इतना धूप में खेत में, ठीक है। आसाम में इतना ज्यादा गर्मी है क्या बताओ, तो भी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इसलिए देखो बच्चा बाटिया भी रेडी हो गया ये मेरे साथ खेत में जाने के लिए। इतना धूप में तुम लोगों को जाने का कोई जरूरत नहीं, रहो इधर ही, देखो ये भी जाएगा, चलो कितना शौक है। देखो मैं इतना दुख में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और खेत में जा रहा हूँ, बच्चा भट्टी भी जाने के लिए तैयार है, सबको खीर लाना पड़ेगा, ठीक है, सब लाएगा। तो गाइस देख सकते हो मैं फुल पहन के आया हूँ, हाथ में भी देख सकते हो फुल शर्ट पहन के, ये भी ट्रैक सूट पहन के आया हूँ। इसका कारण है कि अगर खेर वो सब लाऊंगा ना तो खुजली होगा हाथ पैर में, तो फुल पहन के आया हूँ, अभी कोई खुजली नहीं होगा। तो गाइस देखो इस साइड में धान का खेत है और इस साइड में धान काट के मतलब ऐसा रखा है। देखो भाई लोग बच्चा पार्टी पीछे पीछे आ रहा है। अरे इस नंबर वन जोकर, इतना गर्मी आता अभी भाई, मैं कितना क्या पहन के जा रहा हूँ एक खेत में धूप में भी, मामा के साथ जा रहा हूँ तो बहुत मजा भी आ रहा है ना, इसलिए मामा का बहुत प्यार करता हूँ ना। तो कैसे जो डंडा है मेरे हाथ में, इस डंडे को हम कहते हैं काराल, ठीक है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में काराल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये कैसा चीज है, ठीक है, और इसका वर्क में बता देते हो, इसको ऐसा करके पकड़ना पड़ता है ऐसा, और इस तरह ऐसा, ठीक है, ऐसा करके पकड़ना पड़ता है। और अभी ये तो खैर है, खैर को कलेक्ट करने का काम में आता है ये, ठीक है। तो इस कारण लेकर हम अपने देखा है, तो अभी चलिए आ जाओ मेरे साथ, अभी जल्दी जाता हूँ फिर लगे। तो भाई साहब देख सकते हो मेरे माथे के ऊपर क्या है, इतना बड़ा हो भाई साहब, और इतना गर्मी में लेके चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये जो चीज है ये माथे से अभी नीचे आ गया भाई साहब, बहुत दिक्कत हो रहा है लेने में, आया अरे छूट नहीं रहता भाई। गिर गया, गिरा दिया भाई, ये जो चीज लिया हूँ ना इतना बड़ा है तो यहाँ पे रहना चाहिए, ये आते आते मेरा इधर आ गया। गिर गया, तो गाइस क्या होता है, इतना ज्यादा गर्मी, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्मी भी है और ऊपर से भाई साहब मेरे से ये सब काम नहीं होगा। तो गाइस ये जो बड़ा वाला जो मैं बांध के अभी लेके जा रहा था खेर, ठीक है, वो खेत से, पर मेरे से हुआ नहीं भाई साहब, एक तो बड़ा है और ऊपर से हवा भी आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, हवा जब आता है धीरे से इधर साइड हो जाता है तो दिक्कत होता है, गर्दन में मतलब यहाँ पे दर्द होता है, तो रुक दिया भाई, रहने दो इधर ही रहने दो, अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है देखो भाई, ये
तो देखो भाई साहब आरी बाकी किधर बैठा है। अरे इस तरफ देखो, क्या टाइम क्या टाइम क्या कर रहे हो इधर बैठ के साहब? बैठो ठीक है। तो कैसे देख सकते हो कितना ज्यादा गर्मी है और धूप भी है, पर एक चीज अच्छा लगा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नेचुरली बहुत ज्यादा हवा आ रहा है। गाइस बहुत ज्यादा ठंडा है, -35 डिग्री। तो गाइस देख सकते हो भाई साहब कितना ज्यादा धूप है, काम वहाँ पे चल रहा है। ये इधर बैठा है, मैं भी यहाँ पे हूँ। देखो भाई साहब जुएल भी लेके चल रहा है, चल 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 घर में चल सीधा, अच्छे से जा, बाय बाय, सी यू सून। तो गाइस इस बार तो जाऊंगा ना, इस बार वो बस खत्म ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत है वहाँ पे। और इस बार ये वाला अभी बोझा, ये वाला जो बांध के रखा है ना शेर को, ये लेके चलूंगा और दोबारा और एक बार आना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है वो भी उठा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये मामा आ गया इधर, इसे देख। ओ मामा केर दो केर ना तुरंत ये शर्त ले आ वीडियो का गलती देख लम। तो गाइस ये लेकर छोड़ के आता हूँ। तो गाइस 35 डिग्री से भी ऊपर गर्मी है भाई साहब, मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैं एमपी में मध्य प्रदेश में रह का है एक साल, वहाँ पे भी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। पर यहाँ का जो आसाम का जो गर्मी है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का गर्मी है। जैसा कि वहाँ पे भी मुझे गर्मी महसूस हुआ, पर यहाँ पे जो गर्मी है ना, इस गर्मी में अगर आप लोग रहोगे तो तुमको पसीने से नहाना पड़ेगा। देख सकते हो पसीने से ऑलरेडी नहा चुका हूँ। मध्य प्रदेश में जैसा गर्मी है ना, गर्मी का तो गर्मी आपको महसूस होगा पर पसीने नहीं निकलेगा। तो गाइस 35 डिग्री से भी ज्यादा धूप में ये देख सकते हो क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और ये जो गर्मी है, गर्मी का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ भाई साहब, काम कर रहा हूँ, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ एकदम, पसीने से नहा लिया। और अभी चलते हो भाई, चलो बच्चा पार्टी भी आया था देखो भाई साहब, चलो चलो चलो। वो भाई साहब ये पे थोड़ा साई है, ये साई पे बैठ जाता हूँ। वो बच्चा पार्टी अभी आ रहा है, रुकने के लिए बोल रहा है। आजा आजा भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। किसान लोग कितना ज्यादा मेहनत करते हैं भाई, इतना धूप में ये सब धान काटना, उसको काम करना। चल 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 आजा आजा, देखो ये जो बैग है ना, बैग में मतलब कि पानी लेके आया था पीने के लिए, ये भी सही है, बच्चा पार्टी ने सही किया। तो थोड़ी देर पहले हमने जो वो चीज वगैरह लाया था ना, खीर वगैरह, तो उनका पूरा काम सेटल हो चुका है गाइस, देख सकते हो भाई साहब ये पूरा अभी सेटल हो चुका है, मतलब अभी ये खाएगा। अरे देख बेटी तू अच्छे से हमें दूध देना, ठीक है, तेरे लिए इतना मेहनत किया धूप में। तो वैसे इनको छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो कैसे आज के ब्लॉग में इतने ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।